चंद्रपाल नंबरदार जी, मनोज, संजय और सुरेश जी। कमल, कमल भाई कैथल से, कमल भाई। इतनी दूर से भाई सिर्फ रागने सुनने के लिए यहाँ आए हैं। महाशय रणवीर जी के मान सम्मान के लिए भाई हरिचरण जी, ₹3100 की माला और पगड़ी से, ₹3100 की माला और पगड़ी से मान सम्मान करते हैं महाशय रणवीर जी का। भाई ललित के बड़े भाई हैं हरिचरण जी, पगड़ी पहनाकर ₹3100 से इनका मान सम्मान करते हैं। बार बार धन्यवाद है, धन्यवाद। साथ में आज भाई ललित बडाड़ा महाशय विकास पासोर जी को आज गुरु धारण कर रहे हैं। बड़ी ही खुशी की बात, किसी व्यक्ति के जीवन का एक विशेष पल है ये। महाशय ललित जी पगड़ी पहनाकर गुरु जी को सम्मानित कर रहे हैं। ₹2100 की माला और पगड़ी से ललित भाई महाशय विकास पासोर जी को सम्मानित कर रहे हैं और गुरु धारण कर रहे हैं। महाशय जी आदेश दें बच्चे को, भविष्य इसका उज्जवल रहे, आगे बढ़कर संस्कृति के क्षेत्र में ये अच्छा काम करे। साथ में हमारे बीच रामविलास जी गांव देवसर से, आज के समय के जाने माने कलाकार, बहुत अच्छी कविताएं इनकी, महाशय रामविलास जी, उनके सम्मान के लिए मैं आमंत्रित करता हूं पृथ्वी जी को गांव बडाड़ा से। महाशय रामविलास शर्मा जी के मान सम्मान के लिए मैं आमंत्रित करता हूं पृथ्वी जी को। साथ में आज के एक और कलाकार गांव बडाड़ा से ही डॉक्टर मक्खन जी, डॉक्टर मक्खन जी जहां कहीं भी हो मेरी आवाज सुन रही है, मंच पर आए डॉक्टर मक्खन बडाड़ा जी। महाशय रामविलास शर्मा जी जिन्होंने अपना संपूर्ण जीवन देश सेवा में बिताया, आज संस्कृति के क्षेत्र में नए मुकाम हासिल कर रहे हैं। नई कविताएं, नई रचनाएं इनकी आज हमें सुनने को मिलेंगी। डॉक्टर मक्खन बडाड़ा जी के मान सम्मान के लिए मैं महाशय विकास पासोरिया और महाशय रामविलास शर्मा जी डॉक्टर मक्खन का मान सम्मान करेंगे। ₹2100 की माला के साथ महाशय रामविलास शर्मा जी और महाशय विकास पासोरिया जी, ये तमाम विभूतियां, तमाम हस्तियां जो अभी आपके सामने मंच पर हैं, हरियाणवी संस्कृति में विशेष मुकाम रखते हैं, हरियाणवी संस्कृति की सेवा में अनवरत लगे हुए हैं। हम भगवान महाशय विकास जी को पगड़ी से सम्मानित करते हैं। भाई दीपक को सम्मानित करेंगे विवेकराज शर्मा जी, विवेकराज शर्मा जी भिवानी से हैं, भाई दीपक को सम्मानित करते हैं विवेकराज जी।
भाई दीपक पासोरिया को सम्मानित करते हुए विवेकराज शर्मा जी बहुत अच्छे संस्कृति प्रेमी, संस्कृति के साथ साथ प्रकृति प्रेमी भी हम कह सकते हैं। फिलहाल इनका पेड़ पौधों पे प्रकृति को बचाने पे बहुत ध्यान है। भाई विवेकराज शर्मा जी बहुत बहुत धन्यवाद।